आज इतने टाइम के बाद में मैं बबलू और पांडा को अपने उस घर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर राधा है। आज नया दिन है ना, होली है ना, इस चक्कर में तो मैं भी जा रहा हूँ और बबलू पांडा को भी लेकर जा रहा हूँ। और इस बार कालू मामा भी मेरे साथ चल रहे हैं। लगभग एक साल के बाद मैं कालू वापस अपने पुराने मोहल्ले जा रहा है। पता नहीं ये कैसे एडजस्ट होंगे मेरे से। और बबलू पांडा को भी आदत नहीं है इतने सारे लोगों के बीच रहने की और पब्लिक एरिया के बीच में जाकर रहने की। तो हमेशा से बबलू पांडा यहाँ खुले एरिया में घूमे, आसपास जीव जानवर एनिमल्स ही देखे है। वहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, गली में से गाड़ी निकलना हर 2 मिनट 15 मिनट से, तो इनके लिए पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा। लेकर जाता हूँ, राधा तो एडजस्ट हो गई, पांडा बबलू का पता नहीं। देखता हूँ क्या होता है आज। पहले इनको सुसुपोटी करवा कर आ जाओ बाहर लेकर जाकर। आज तुमको भी लेके जाऊंगा, यहाँ बंद करके नहीं जाऊंगा, ठीक है? ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है बबलू? वहाँ पर पांडा तू भी, वहाँ पे लोग ज्यादा होंगे गलियों में, किसी के पीछे भागना मत, किसी के पीछे पड़ना मत। पांडा तुझे पता है ना मेरे मोहल्ले वाले कैसे है, पढ़े लिखे अनपढ़। एक आदमी तो लुंगी पहन के घूमता है और बनियान पहन कर घूमता है, उससे दूर ही रहना, अपनी लुंगी में किडनैप कर देगा तुझे। गैस की टंकी भी रख दी मैंने अंदर। चल बबलू। बबलू ठेठ वहाँ पासा के घर के पास में अकेले घूम रहा है। पांडा मेरे पास था, है नहीं, ये जा रहा है पांडा कालू मामा के पास। लाओ बच्चों जल्दी यार, सुसु पोटी करो, फिर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जाना है मुझे वहाँ पर। राधा और रॉक्सी वेट कर रही है, चलो जल्दी। पता नहीं तुम लोग वहाँ पहुँच कर क्या करोगे यार, मेरी कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली है ये मुझे पता भी नहीं। चलो चलते आओ। कालू मामा वहाँ पर है ना, ज्यादा दूर जाना मत और साथ साथ में रहना, ठीक है? भले वो मोहल्ला तेरे लिए अनजान नहीं हो, बट वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं और डॉग्स भी नए आ चुके हैं, तो वो एरिया अब तेरा नहीं रहा। वहाँ के लिए घूमने जाना मत, जहाँ कहीं भी जाए मुझे बोलकर जाना, या मेरे पास पास में रहना, टेंशन और झंझट खत्म। रुक जा, अभी पांडा बबलू आ रहे उस तरफ से, पासा के घर के पास में गए। आ गया बबलू, ए बस रुक जा, ब्रेक मार। अच्छा पांडा है, कितना व्हाइट, एकदम घोर अगट। अरे रा तेरा पाइप क्या रे, बेल्ट पकड़ना मत, कैसी हालत हो गई बिचारों की, बीच में से फटे हुए हैं तो भी अभी तक चल रहे हैं, धीरे धीरे ज्यादा ही फट गए। रुक जा, फाड़ना नहीं है, रुक जा। एक तो मिल गया, दूसरा वाला लेके जा रहा है पांडा। बबलू कहाँ? ये रहा बबलू। ओले, पांडा को जैसे उठाते हुए देखा कि पांडा कुछ चीज उठा रहा है, तो बबलू फट से भाग कर आ गया। रुक जाओ, बेल्ट दे दो मुझे। चलो उस तरफ पार्क के पास, वहाँ जाके सुसुपोटी करो, फिर फटाफट निकलते हैं। या फिर मुझे लगता है इन्होंने सुसुपोटी कर दिया, क्योंकि 10 मिनट से घूम के आए हैं इस तरफ, 10 मिनट से उस तरफ ही घूम रहे हैं। क्या करूं, इनको डायरेक्ट लेके चला जाऊं कार में बिठा कर, या अभी घुमा कर आऊं? चलो 5 मिनट घुमा कर आ ही जाता हूं। चल चल चल, कार में चढ़ जा, जल्दी कार में चढ़ जा। ए बबलू आ चुका है। पांडा तू चढ़ जा कार में। पांडा आज भी घबराता है कार में चढ़ने से पहले। आजा मेरा बेटा, चल 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 चल, डर मत ना, डर मत, रुक जा। अरे रुक जा, घबरा मत, रुक जा, शांति रख, मैं यही हूँ, बैठ जा, गुड बॉय। अब कालू मामा तेरी बारी। अरे यार अब गेट खोलूंगा तो बाहर आ जाएंगे, और कालू मामा को अंदर कैसे डालू, रुक जा। एक काम करता हूँ, अरे कालू मामा भाग मत यार, रुक जा, इधर आ। लगता है कालू मामा को गोदी में उठाकर पहले मुझे यहाँ लेकर आना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ बिठाऊंगा, फिर फाटक खोलूंगा, फिर फट से अंदर डाल दूंगा। फाटक खुली रख के जाऊंगा तो कालू मामा अंदर बैठने से पहले बच्चे ही भाग जाएंगे। अरे क्या कर रहा है पांडा, घबरा मत बेटा, घबरा मत, तू पहले कभी बैठा नहीं ना। राधा और बबलू को आदत है, पांडा को पता नहीं आदत क्यों नहीं है, जबकि बबलू भी इसके साथ नहीं बैठा है, फिर भी बबलू फट से कार में घुस गया। वेरी गुड, आजा कालू, आजा कालू, आजा। अरे वाह, आसान कर दिया काम। अरे रुकना, कहाँ जा रहा है? अरे मेरे पास आना है, ब्रेक मार बेटा, ब्रेक मार, इधर घबरा मत, देखो पहले ही जा रहा है कि मुझे कार में कहीं बंद करके चले ना जाए। कैसे चलता है, ठुम ठुम ठुम। राजा यार लेट हो रहा है मेरे को, मैं जा रहा हूँ, कार स्टार्ट करता हूँ, अपना पाएगा। चलो उधर, हाँ हटो, मैं आ रहा हूँ, कार स्टार्ट करने दो मुझे, अपना पाएगा। पांडा उधर जा, बाहर नहीं आना। अरे यार क्या मुसीबत है। चलो उधर, चलो 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 चलो, वेरी गुड। अरे उधर चल बबलू, उधर चल, गोदी में कहाँ बैठ रहा है? अरे उधर चल बेटा, अरे हाँ उधर चल। अरे भगवान, राधा की तरह नहीं है तुम, शांत। चलो उधर चलो, उधर चलो। अरे बबलू तो कहाँ खड़ा है, नहीं पांडा तो कहाँ खड़ा है? अरे बाइट मत कर मेरे बबलिया, तेरे दांत ब्रश कर दूंगा। अरे बाप रे, बाहर नहीं जाना, यहाँ पीछे से उछल के जाओ। तेरी स्प्रिंग कहाँ है, तेरे सॉकर कहाँ है, रुक जा, बंद कर दिया। आप क्या है? मेरा कान मत खाओ रे, सुनूंगा कैसे फिर, गदेड़ो साइड हो जाओ। ये आ गया कालू, रुक जा कालू, आजा रुक जा, 2 मिनट। अरे मेरे नाखून लग रहे हैं, मैं मारूंगा पकड़ के, देख नाखून लग रहे हैं ना। गदड़ो छोरो, कहाँ खड़ा है पांडा तू, और तू कहाँ बैठा मेरा हैंडसम बॉय? रुक जा, शांति रख, गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरे गाड़ी स्टार्ट हुई, डर क्यों रहा है? बैठे रहना अपनी दुकान टिका के रख पीछे। अब कालू को अंदर लेता हूँ, कालू मामा भी आ चुका है, पांडा भी बैठा है बेचारे चुपचाप, और बबलू तू पहले कह रहा हूँ शांत बैठना और चुपचाप बैठना, और वहाँ जाके प्लीज बदमाशी मत करना। वापस आगे आगे, क्या मतलब, वो कालू मामा है, कहीं से भी देख सकता है बैठे बैठे। और तू है ना ज्यादा होशियारी मत बता, लेफ्ट राइट आगे पीछे मत जा। पांडा सिम्बा की तरह खड़ा, मस्त लौंडा लग रहा है, क्या हैंडसम है तू भी यार, हैंडसम है, पर बबलू जितना हैंडसम नहीं, बबलू तो बदमाश है, पांडा क्यूट है। अरे गदेड़ो गाय है वो, गाय। अरे मेरा सामान तोड़ देते अभी, पागल, गाय के ऊपर भी भौंक रहे हो यार, बैठ जा चुपचाप। कालू मत बिगाड़ मेरे बच्चों को, सबसे पहले कालू भौंकता है, उसके बाद में बच्चे भौंकते हैं।
ये देखो पांडा छलांग लगाना मत। मैं कांच ही बंद कर देता हूँ। अब मस्ती करना मत, चुपचाप बैठे रहो। अरे सिक्योरिटी गार्ड है वो, गेट खोल रहा है वो, सिक्योरिटी गार्ड है, शांत रहो ना। बस हाँ, कुछ नहीं डर मत। अरे मेरे वाइपर चालू कर दिया तूने। अरे वो गेट खोलने वाला है। अरे बस वो गया पांडा पीछे। अरे कोई नहीं है, रुक जा यार। और कालू यहाँ अलग से उछल रहा है। क्या है कालू? ले आगे एक और गाय आई, देखो गाय आई। बस मेरा अभी तक 10 मिनट भी नहीं हुआ मुझे कार के अंदर, और मेरी हालत खराब कर दी इन्होंने। अरे कहाँ कहाँ से मुंह निकाल रहा है। बैठे रहना एक जगह बबलू, आगे पीछे क्यों घूम रहा है पांडा? देख एक जगह खड़े खड़े भौंक रहा है ना, तू भी वैसे ही रहे। चल अब बैठ जा चुपचाप, घर पहुंचते ही आ जाना क्या, उठ जाना। अरे पांडा कहाँ चढ़ के भौंक रहा है? गाड़ी की 12 बजा दे पूरी। कहाँ चढ़ के भौंक रहा है? क्या हुआ बबलू? इसीलिए इनको बाहर लाना जरूरी था, जबकि मैं लेकर ही आता हर बार राधा को लेकर जाता, इनको भी लेके जाता तो इनको आदत लगती और इतने परेशान नहीं होते। पांडा 10 मिनट 15 मिनट और। अब ये शांत है, आराम से खिड़की से मुंह निकाल कर देख रहे हैं और सब कुछ सूंघ रहे हैं। इनके लिए सारी गंध नहीं है, एकदम मजा आ गया इनको तो। राधा के लिए तो नॉर्मल है और ऑक्सी के लिए भी नॉर्मल है, बट इनके लिए नया कुछ है। पांडा देखो नहीं चढ़ा जा रहा, फिर भी चढ़ रहा। दो पैर आगे डैशबोर्ड पे दे दिए और दो पैर यहाँ पीछे है, जबरदस्ती मुंह निकाल के देख रहा है। और कालू मामा पीछे पागलों की तरह। बाहर मत कूद जाना, बस इतना बहुत है। दो पैर तेरे सही जगह पर है बबलू, और एकदम परफेक्ट। थोड़ा लंबा हो जा ताकि फिर बैठ सकता है। रोक्सी तो यहाँ बैठे बैठे देखती है आराम से मुंह निकाल कर। अच्छा उस टाइम विंडो पूरा नीचे होता है, मैंने अभी आधा विंडो ही नीचे किया है। कालू तेरे लिए भी कहा ना मैंने नीचे विंडो, देख आराम से मुंह निकाल कर। बबलू तो देख ही रहा है, और पांडा अब तो शांत रहना। बाहर इतना क्राउड है ये देख कर बबलू और पांडा हैरान है, क्योंकि इनको आदत नहीं है ना इतनी लोगों को देखने की और गाड़ियों के इतने पास से गुजरने की। राधा फिर भी ठीक है, अब इनको आदत ऐसी लगानी पड़ेगी, नहीं तो इन फ्यूचर मुझे दिक्कत होने वाली है। मेरी राधा रानी, रोक्सी रानी, राधा भी बराबर छलांग लगा रही, ऊपर उछल रही, तो उछलती भी नहीं है। अच्छा पांडा बाबू उसके ऊपर गिर जाता है ना, इसलिए उसने उछलती। मम्मी को पता नहीं है मैं आया हूँ, फोन किया मैंने, अभी उठाया नहीं मम्मी ने। राधा तेरे को बहुत मिस किया बेटा। हाँ रॉक्सी तुझे भी बहुत मिस किया। राधा रॉक्सी दोनों एक जैसी। हज़ार राधा तू बाद में है, रॉक्सी पहले है मेरे। रॉकू बेटा बस बस अभी रुक जा, पांडा बबलू आ रहे घर के अंदर, ठीक है उनके साथ खेलना, मैं लेके आ रहा हूँ, वो कार के अंदर ही है। मोहित आ गया यहाँ पर, और कालू भी आ गया, और पांडा बबलू भी आ गया, कितने महीने को बाद आया। और कालू जाना मत, जाना मत। कालू हमेशा यहाँ से उछल कर यहीं से जाता था और यहीं से वापस आता था जब मैं और कालू यहाँ रहते थे। पांडा बबलू को मोहल्ले में कभी नहीं घुमाया, ये जब छोटे थे तभी इनको लेकर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, और पहली बार यहाँ घूम रहे हैं। कालू ऊपर चढ़ना मत, चढ़ना मत, गंद ले ले बेटा, बस ऊपर चढ़ना मत, गमले टूट जाएंगे ना। अब सारा ना कुछ तेरे हिसाब से एडजस्ट नहीं है, पहले कालू नहीं था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम साफ था। खोल दे मुझे गेट, खोल दे। बबलू बदमाशी नहीं, राधा रॉक्सी अंदर है। ब्राउनी है, ब्राउनी कहाँ गई? अच्छा हाँ मोहित के पास ब्राउनी, इतनी प्यारी है। हाँ हाँ कालू ब्राउनी, ब्राउनी रॉक्सी राधा किचन में। हाँ ब्राउनी, कालू ऊपर गया, कालू ऊपर गया, ब्राउनी इनके ऊपर अटैक करेगी ना। अरे यार कालू कहाँ जा रहा ऊपर? कालू बेटा तू भले ऊपर रहे, ठंडा मौसम है, पानी पीना है तो मैं तेरे भर के रखता हूँ, बट प्लीज कहीं से भी उछल के जाना मत, क्योंकि तू एक्चुअली सुपरमैन है, पता नहीं कब कहाँ से चला जाइए, भरोसा नहीं, यहाँ से छलांग मार के चला जाए। और ये रहा वो बड़ा जहाँ कालू बड़ा हुआ, 15 दिन का था तब मैं यही लगकर उसको शिफ्ट किया था, यहीं पे रहता था अपने भाई बहनों के साथ में। सुसु कर ली आकर, रार छोड़ दी, गधेड़ा बच्चा, प्यारा बच्चा। और ऊपर क्यों जा रहा है, कहाँ जाएगा कालू? सुपरमैन ऊपर से टेक ऑफ करेगा क्या? कालू मामा ऊपर चढ़ना मत, पीछे गिर जाएगा। और पहले वो दीवार नहीं थी तो मैं रॉक्सी को यहीं से घुमाने के लिए लेके जाता था, और कालू भी पीछे पीछे आता, पूरे एरिया में हम घूमते थे। अभी तो यहाँ पेड़ वगैरह उग चुके हैं, मतलब नहीं है, पहले खाली मैदान था। हाँ चल नीचे, नीचे जा रहा है कालू, गेट बंद कर देता हूँ। बस 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 कोई नहीं, बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस बस बस। अरे ब्राउनी, मत कर मोहित, मत कर मत कर, कालू पहले जैसे नहीं रहा।
इसमें पांडा, बबलू, राधा कौन है और ब्राउनी कौन है? ये रही ब्राउनी, ये ब्राउनी है ना, ब्राउनी है बबलू। अच्छा बबलू है, ब्राउनी कहाँ है? ब्राउनी कहाँ? अच्छा अंदर है। तेरे हाथ में क्या है? वो डब्बू है। ब्राउनी अंदर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ब्राउनी शायद बच्चों की तरह दिख रही थी। कालू ज्यादा उछल मत, कुछ टूट के गिर जाएगी, शांति रख। अब इनको एडजस्ट कैसे करना, राधा को बांध के रखा है। अरे यार, अरे वो ब्राउनी के पास चला गया। अरे 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 अरे, अरे क्या कर रहे हो? ए ब्राउनी, ए ब्राउनी बेटा, मौसी है मौसी। अरे मत इरिटेट करो ब्राउनी को नीचे। अरे काट देगी वो, मत कर, वो फीमेल है, मौसी है। अब तुम दोनों मेल हो। ब्राउनी अब गंद ले रही है, अब गंद ले रही है। अरे यार घर पर ऊपर ले लिया, राधा का तो बांधा है। कालू मामा, ब्राउनी डर रही है। कालू है, कालू कालू इतने टाइम के बाद मिला है ब्राउनी से, लगभग 10-11 महीने के बाद में। अब ब्राउनी के बारे में, ब्राउनी सुन रही है कालू को। दोस्ती होगी, चलो ठीक है, कालू और ब्राउनी की तो दोस्ती होगी। पांडा और बबलू की दोस्ती हो जाए तो सही है। हाँ पांडा वो है व्हाइट वाला, ये है बबलू। ये रही ब्राउनी, मेरे राधू बेटा, पर ये सबकी सीनियर रॉक्सी। प्लस मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा लूँ। अरे ऊपर कहाँ जा रहा है? पुरानी यादें ताजा हो गई इनकी कसम से। हाँ यहीं पर खा पी के सोते हैं, यहीं पे सुसु करते हैं, यहीं पे पोटी करते हैं गधेड़े कहीं के। ब्राउनी मेरा प्योरा बच्चा, डर रही है, डर रही है, डर रही है। रॉक्सी हाँ तू भी है, ब्राउनी थी मेरा बेटा, मेरा ब्राउनी, ब्राउन कलर की। कालू भावेश के पास जा रहा है, दोनों एक जैसे इसलिए समझ गए। कालू मामा चलो मैं गेट बंद कर दूँ, नहीं तो कालू दीवार कूद के बाहर चला जाएगा, फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा। कालू अब प्यार करवा रहा मम्मी से, मैं लग गोचू। कालू कैसा इसके क्वेश्चन मार्क जैसी पूछ है, एकदम काली कड़ा। देखो वापस पास में गया क्या? और प्यार करो, और प्यार करो। बबलू क्यों छेड़ ले रहा फिर ब्राउनी से? अच्छा ओए मत छेड़ ले, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बबलू। नहीं गधेड़े कहीं के, उंगली करने की आदत है, बस उंगली करने की आदत है तुम लोगों को। बबलू नहीं रुक जा, मोहित मैं कपड़ा देता, कपड़े से डरते हैं। एक कपड़े ऐसे झटकने इनके सामने, खेलने मत देना, डर मारना तेरी तो नहीं नहीं। हाँ बस डरते हैं ऐसे ही, बस कालू के सामने मत कर, कालू अटैक कर देगा। कालू अलग आइटम है। ब्राउनी ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़। अरे कपड़ा कहाँ से लेके आ गए? विकास परेशान ना, इसलिए फटाफट गया अंदर। अब पांडा की बारी। ये प्यासे है मम्मी, बहुत जबरदस्त। फिर से आया, फिर से आया, फिर से आया, फिर से आया। लेकिन तो मोहित के पास है, हाथ पहुंचने वाला नैपकिन है। रुक जा बदमाश बच्चे, पूरा घर कुत्तों से हो गया। अच्छा है इंसानों से तो बेटर है, घर के अंदर कुत्ते है। अब शांति रखो, मैं पानी भर रहा हूँ, पानी पी लेना। पांडा बबलू प्यासे हो ना तुम? अरे कहा चढ़ के देख रहा है तू? आ जा बेटा आ जा, तुझे मना किया ना मत। अब आ जा, तेरे को ट्रेलर दिखाता हूँ। ट्रेलर तो देख लिया, मूवी देख लिया, अंदर बाहर का देख रहा है। इधर ऊपर क्यों जा रहा है? अभी क्यों जा रहा है? अंदर आ, फिर ऊपर जाएगा तू। इधर आ, अंदर अंदर। अरे कालू, अरे तू अंदर चल, जल्दी अंदर चल। कालू कूद के बाहर, चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। तेरा मुंह पहले से भूत बना हुआ है और ऊपर से देखेंगे ऐसे तो भगवान करेंगे ना। हाय हेलो, रुक जा बबलू, शांति, एडजस्ट कर रहा हूँ ना सबको। दूसरा यहाँ एडजस्ट हो रहा है। रुक जा बबलू। पांडा इधर आ। कालू तू यहीं रुक यार, तू उछल के जाना मत। राधू, रॉक्सी, कालू, कालू रुक जा, रुक जा बेटा, शांति रख, यहीं रुकना। अरे शांति रख, मिल रहा है तुमको, पहले पता चल जाता है। आ पी लो, पी लो। बबलू को मिल रहा है। कालू मामा रुक, तेरे को रुक। अरे कालू मामा रुक जा। अरे मम्मी दूर रहो, दूर दो, ये कालू अलग ही है। कालू ले, कालू ले, तू अलग रहे। हाँ जा बोरा। अरे तू अलग रहे। हाँ कालू पी ले फटाफट, खाना देने के बाद कालू के पास कोई नहीं जाएगा। ओ करता है। अरे रुक जा, शांति रख बेटा, मिलेगा मिलेगा, तुझे भी मिलेगा। तू क्या, तुझे पीना है? नहीं। पक्का ठीक है। ब्राउनी शांति रख, राधा बैठी है तू? गोचू गोचू कौन? मोहित। ओहो ये हंस रहा है, देखो नींद में हंस रहा है। हाँ ये पांडा के लिए, इधर तो पांडा तो चिल्ला रहा था ना, भौंभौं कर रहा था ना, ये ले जैसा तू वैसा दूध, दोनों व्हाइट व्हाइट। चल 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 चल, अरे अरे चल 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 चल। हाँ चल 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 बाहर तो चल चल चल, दे रहा हूँ दे रहा हूँ, इधर इधर इधर। अरे आराम से आराम से आराम से, गिराना मत गिराना मत, ये पीता कम है, गिराता ज्यादा है। धड़ 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 करके पीता ना तो साइड में गिर जाता है। रॉक्सी बेटा तुम परेशान मत हो ना बेटा, आज आज की बात है, जलन मत हो बेटा। सबसे पहले तुझे मिलता था मुझे पता है, बट आज पांडा को मिला तो फिर वाह। ये कालू ऐसा ही है, जितनी चाहिए प्रोटीन उतना ही लेता है, पूरा नहीं पीता। ये गया फिर से ऊपर, अरे अरे तो ऊपर ही चला जाएगा। बंद है, कहाँ जाएगा काला नाग? बबलू हट। अरे मम्मी वो नहीं पिएगा, उसके सामने कितनी पेडिग्री रख दो। बबलू पांडा की तरह नहीं खाता, जितनी चाहिए उतनी खाता है वो। बेटा सुपरमैन तू नहीं है, लाल कलर का बेल्ट पहना तो उसका मतलब उड़ के जाएगा क्या?
क्या है बेटू? शांति रख। रॉक्सी देख, रॉक्सी भी आ गई, छोटी पूछ वाली। बाबा शांति रखो बेटा, चाय नाश्ता कर रहे हो, भूख लगी है, तुम्हें तो दे दिया नाश्ता, मैं नहीं करूँ नाश्ता, रुक जाना। रॉक्सी तेरे को नहीं कह रहा बेटा, तू शांति से बैठ। हाँ तो बैठ ही गई, समझदार है। पांडा बबलू को कह रहा हूँ। क्या हो राधा, ऐसे मत देख यार, बहुत प्यारी लगती है यार तू मुझे। कालू अपनी जगह आकर खुश हो गया वापस, एक साल लगभग एक साल के बाद यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा कालू? ये तो कालू ही जानता है या फिर मैं जानता हूँ। अपनी पुरानी जगह यहाँ खड़े खड़े देख रहा है, पहले कैसा था यहाँ पर और अब कैसा हो गया है। मैं कार हमेशा यहीं चिपका कर पास में रखता था, कार के ऊपर चढ़कर कालू यहाँ से अंदर, और जब इसको बाहर जाना होता था यहीं से वापस चढ़कर दीवार कूदकर बाहर चला जाता था, अपनी मर्जी का मालिक था। कालू समेत सारे बच्चों को घर के अंदर डाल दिया मैंने। आज मैं और सिर्फ रॉक्सी घूमने के लिए जा रहे हैं, आराम से घूमूंगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पीछे बच्चे हैं नहीं, जिस वजह से मुझे जल्दी जल्दी घूम के वापस जाना हो। कालू, राधा, रॉक्सी, पांडा, बबलू सब के सब यहीं पर हैं। चलो रॉक्सी आराम से घूम कर आते हैं, चलो बाहर बच्चे होली खेल रहे, आजा। दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना, रंगना मत। और छोटे गणेश जी, रॉक्सी चल 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 चल, यहाँ पे खतरनाक हमला होगा, कार के पीछे आतंकवादी है, चलती रहो रॉक्सी। रॉक्सी नहीं बेटा। और ये रही वो लास्ट जगह जहाँ पर मैं रॉक्सी को लेकर आता हूँ, लास्ट स्टॉप है। रॉक्सी यहाँ पे आराम से खेलती है, कालू यहाँ पर घूमता है, फिरता है, भाग दौड़ करता है, मस्ती करता है, और यहीं से मैं यू टर्न होकर वापस घर चला जाता हूँ। रॉक्सी आगे मत जा बेटा। रॉक्सी कैसी कैसी जगह घूमेगी तू, ऐसा क्या सूंघने को मिल गया यहाँ पर जो एकदम से इतना सीरियस होकर सूंघ रही है, चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट कर। चल यहाँ से, गंदी है बेटा, जगह गंदी है, चल यहाँ से, चल 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 चल। ये रे पंकज भैया, जहाँ मेरी बैठक थी, जब यहाँ रहता था यहीं पे बैठ के टाइम पास करता था, इनके साथ मस्त गपशप मारता था, और लगभग आधा दिन इनके साथ ही मेरा निकल जाता। हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली, हैप्पी होली। रॉक्सी वहीं बैठे रहना, आ रहा हूँ मैं। चले रॉक्सी अब, ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आजा बेटू आगे अंदर, रुक जा मैं गेट बंद कर दूँ, अब मेरी परेशानियाँ वापस चालू। पांडा, बबलू, राधा, कालू सबके सब अंदर है, क्या हाल होता है मेरा। अरे अरे चलो चलो चलो, राधा खुली है, पांडा बंधा हुआ है, बबलू भी बंधा हुआ है, कालू सो रहा है। रॉक्सी आजा। राधा क्यों खुली रखा मम्मी, इसको से लेके आ, इसको भी बंद हो भाई। हाँ हाँ हाँ, बस बस शांति शांति। कालू मामा, अरे ले ले ले, बस बस नाखून तेज है बबलू तेरे। कालू आराम से सो रहा है यार, वाह सो जा बेटा, पंखा तेज कर दूँ तेरे लिए। मम्मी पंखा बंद मत करो, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, ये मेल डॉग है ना, इसलिए इनमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है। राधा मस्ती नहीं, सो जा। रॉक्सी पानी पीना है, प्यास लगी, रुक जा मैं पानी लेके आ रहा हूँ, रुक जा रुक जा। रॉक्सी थक गई है, बबलू मत पेट उसको, रुक जा। ये ले बेटा, रॉक्सी को ऐसे हाथ से पानी पिलाना पड़ता है, मेरा प्यारा बच्चा है, गोचू गोचू हिप्पोपोटामस। इतने दिनों के बाद में ना हिप्पोपोटामस बोलने का मौका मिला मुझे। कालू क्यों बोबो बोबो कर रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, शांति रखना, क्या बिगाड़ा तेरा किसी ने। पीले बेटा, हाँ पीले पीले, येलो पानी, येलो पानी, पीला पानी, क्या पानी। अरे पांडा रुक जा, इनको छोड़ दो मम्मी पार्किंग में, छोड़ ये पार्किंग में छोड़ रहे। कालू मामा अंदर, रॉक्सी अंदर, हाँ छोड़ दो छोड़ दो, हाँ अभी पार्किंग में छो। राधा बैठी है, बबलू मस्ती नहीं, कालू मामा चल अंदर, तू अंदर चल। अरे ये यार क्या क्या मस्ती कर रहे हो, चावल है बेटा, अनाज है, कबूतरों को खाना है देने के लिए, हट जाओ। रॉक्सी चल अंदर, राधा तू भी चल। और क्या हुआ, वाह भाई वाह, पूरा मोहल्ला ऊपर ले लिया आते ही। कालू आजा, तू भी आजा। पांडा क्यों बेचैन हो रहा है यार, गेट बंद कर दो, हट जाओ। हाँ चलो पीने के लिए पानी रख रहे हैं मम्मी, क्या है पानी रख रहे हैं, इतना क्या बोबो बोबो कर रहे हो, चलो आ जाओ मैं जा रहा हूँ अंदर। बच्चे सबके सब बाहर है और मैं यहाँ पे भूख लगी तो नाश्ता कर रहा हूँ, इतने लंबे टाइम बाद इस टाइम पर मैं अच्छा नाश्ता कर रहा हूँ, नहीं तो हमेशा वहाँ पे चाय और बिस्किट ही खाता हूँ। आज तो मजा आ गया, थाली का गुलाब हलवा, पराठा, गोभी की सब्जी और नमकीन, और साथ में मेरा फेवरेट रॉक्सी। बच्चों के लिए खाना तो हो गया तैयार, मैंने भी खा लिया, अभी दो के कैसे है, साथ में नहीं देना है, वो आपस में फाइट करेंगे फिर। चलो पहले मैं लिखा, तो कौन बैठी है, राधा जल्दी जल्दी जल्दी, राधा आ गई। कालू मामा के ऊपर रुको, मैं लेके आ, राधा खा ले फटाफट। कालू डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आराम से ऊपर सो रहा मस्ती से। ये रहा कालू का बर्तन, कालू का खाना दूंगा, राधा नीचे रहे नीचे रहे, छोटे छोटे पैर ऊपर मत आ। चलो मम्मी कालू, कालू को इसमें डाल दो, मैं कालू को देखकर आता हूँ, कालू के लिए खाना ऊपर ही रख देता हूँ, क्योंकि नीचे खाना दिया तो वो परेशान होगा और फिर अटैक करेगा मेरे बच्चों के ऊपर। राधा, अरे राधा छोड़ दिया, रॉक्सी खा रही खाना, ये किसके लिए, रॉक्सी का है, राधा का है, पर वो राधा का खाना था बेटा, तू का खा रही गधेड़े। राधा तू पागल है, तेरे लिए खाना रखा फिर भी पीछे पीछे आएगी, कुछ नया खाने को मिलेगा जैसे, पागल कहीं की। रुको मम्मी एक मिनट, कालू के लिए खाना है ठंडा कर रहा, चलो बाहर बच्चों को, इनको अलग अलग देना पड़ेगा, एक साथ देंगे तो चलो 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 बाहर, चलो बाहर चलो, अंदर नहीं। वो राधा के खाना वापस रॉक्सी खा रही है, राधा तू पागल है कसम से, स्कूल भेजना पड़ेगा, पढ़ी लिखी गधेड़ी। रॉक्सी को तो दे दिया खाना, फिर भी रॉक्सी को खाना दे रहा है, मतलब खाना दे रही है, गरम गरम है, धीरे धीरे खाओ।
वो रहा बबलू तेरा, पांडा ये रहा तेरा, तेरा खाना तेरा मम्मी साफ कर रही है, चल अंदर जल्दी चल अंदर। रॉक्सी है, रॉक्सी वो खाना खा रही है तेरा। अरे मेरा मोटू राम गदेड़ा रॉक्सी, छोटी बेटी का खाना खा रही, तेरे को शर्म नहीं आ रही? अब तू राधा, मेरे को नहीं पता तो भूखी रहे, तूने छोड़ा क्यों खाना? तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं, मैंने तो दे दिया तुझे खाना। चलो मम्मा को खाना दे दूं मैं तो। अरे नीचे कहाँ जा रहा है तू? अरे यार नीचे कहाँ जा रहा है कालू मामा? हमें पेडिग्री है क्या? कालू को पेडिग्री दे देता हूँ, वो पेडिग्री खाएगा। दलिया खाने में नखरे है इसके, पेडिग्री पहले खाता है। अरे राधा सुसु कर रही है, ले सुसु किया राधा ने, पागल छोरी। राधा को और मिला खाना, बाय वन गेट वन फ्री। मम्मी कालू मामा को पेडिग्री दे दो आप। कालू पेडिग्री खाएगा, मेरा बेटू पेडिग्री खाएगा। कालिया रोको बेटो, तूने दो दो बार खाना खा लिया, तेरी टंकी फुल। गदेड़ा मना क्या कर रही है, फुल हो गई ना, नाटक करती झूठ बोलती। गोचू 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 गोचू, तेरा कच्चा खाजू, मैं तुझे कच्चा खाजूंगा। गोचू इतना प्यारा तू, सबके सब भूत बने हुए। तुम लोगों का नाम क्या है? आप तो होली भी खेल रहे हो यार। मैं नहीं खेलता रे, ये दिन पुराने याद करके अच्छा लगता है। इनको लेकर वापस मैं निकल गया, राधा रॉक्सी वहीं पर है, पांडा बबलू और कालू मामा वापस चल रहे मेरे साथ। बहुत बदमाश है यार, दो मिनट के लिए मैं घर से बाहर निकला और सबके सब पार्किंग गेट से बाहर, और एक आंटी थी बहुत एज में थे, थैंक गॉड मैं घर से ज्यादा दूर निकला नहीं और ज्यादा कुछ बड़ा हादसा हुआ नहीं। चलो अब मेरे घर वापस। बबलू सीट है सहारा लेने के लिए, उसके ऊपर बैठने के लिए नहीं, जहाँ तो बैठा है वो सहारा लेने के लिए। अजीब जानवर है यार तू, पांडा पीछे है कालू पीछे, और लगभग हम 10 मिनट के बाद पहुंचने वाले हैं जोधपुर का जालामन सर्कल। रुक जाओ घर आ गया, अभी रुकना, इनको यही शांति मिलेगी। आ जाओ बबलू उतर के, पांडा यार। अरे बस 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 बस, चल आजा, शांति 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 रख, रुक जा, चलो अंदर। राम राम भाई, राम राम, हैप्पी होली। लाओ अंदर आ पांडा, चल। तुम लोग है ना यहीं पर सही हो, वहाँ ले जाने लायक हो ही नहीं। चलो अब अंदर, गैस की टंकी निकालती, बहुत सारा सामान निकालना है, पानी पीना है, गैस लगी है, गेट खोल रहा हूँ, आराम से अंदर जाना, मस्ती करना मत, ठीक है? उछलना मत, पानी कोई नहीं पिएगा, तुम दोनों ही हो, आराम से पीना, धपड़ 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 करना मत, ठीक है? मैं गैस की टंकी लेकर आ रहा हूँ अंदर। अब जाके मुझे शांति मिली और मेरे बच्चों को शांति मिली। पांडा वो नीचे जाके सो गया, कालू मामा वो सो रहा है, और बबलू इरादा की जगह पर आकर सो रहा है। सो जाओ, जब उठोगे तब नाश्ता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिस किसी को भी ये मेरा अजीबो गरीब ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें।